11th के सिलेबस पे ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर होगा, उसी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मैच हो रहे थे। फिजिक्स का क्वेश्चन था थोड़ा सा लेवल इजी था इस टाइम। फिजिक्स बहुत आसान था, केमिस्ट्री मीडियम था और मैथ था लेंदी था, लेकिन पिछले बार से आसान है अप्रोचेबल। फिजिक्स में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेमीकंडक्टर से कुछ था ही नहीं, जो था थर्मल ये सब ज़्यादा पढ़ के जाने के लिए। नमस्कार, आप करियर फिलोलॉजी देख रहे हैं। जेई मेन्स 2023 का पेपर चल रहा है और सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, सेकंड लास्ट पेपर है, सो स्टूडेंट्स भी निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए जानते हैं बारी बारी से आज का पेपर उनका कैसा गया। कैसा गया पेपर आपका? अच्छा गया भाई। कैसे, क्या बताएंगे, लाइक जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं कैसे प्रिपेयर हो ताकि उनका एग्जाम क्लियर हो? क्या बस स्टडी करें और क्या। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? अभी तो केमिस्ट्री सही था। ओके, आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा ईजी लगा? केमिस्ट्री, फिजिक्स। फिजिक्स ओके, और टफ कौन सा लगा? हमें मैथ टफ लगा। मैथ टफ लगा, ओके थैंक यू। कैसा गया पेपर आपका? बढ़िया गया उसका। कैसा गया पेपर आपका? अच्छा गया। पेपर कैसा गया आपका? बोल लो कैसा गया। अच्छा ही गया। कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? मैथ्स हार्ड था, फिजिक्स मॉडरेट था, केमिस्ट्री एनसीईआरटी उतना कुछ नहीं था, इनऑर्गेनिक ज़्यादा था। ओके, और क्या बताएंगी, लाइक जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका एग्जाम होने वाला है, सो कैसे प्रिपेयर हो ताकि उनका भी एग्जाम क्लियर हो पाए? इनऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस करने के लिए। मैथ्स तो मॉडरेट था ही नहीं, मैथ्स तो पूरा हार्ड था। फिजिक्स में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेमीकंडक्टर से कुछ था ही नहीं, जो था थर्मल ये सब ज़्यादा पढ़ के जाने के लिए। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 35। क्या एक्सपेक्टेशन है? तो थैंक यू। कैसा गया पेपर आपका? अच्छा गया। क्या बताएंगे, लाइक कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर इतने ही थे सारे के सारे ऑलमोस्ट। लेबल कैसे रह रहे हैं? फिजिक्स बहुत आसान था, केमिस्ट्री मीडियम था और मैथ था लेंदी था, लेकिन पिछले बार से आसान है अप्रोचेबल। क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे रह रहे हैं? क्वेश्चन के पैटर्न मतलब किस टाइप में, लाइक कहाँ से ज़्यादा पूछा गया था? वही जेई मेन्स से स्पेसिफिक टॉपिक से भी क्वेश्चन थे और बायोमोलिक्यूल से नहीं था, पॉलीमर से था और मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन थे काफ़ी अच्छे। ओके, और आपके पेपर कैसे गए? ठीक है। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 51। एक्सपेक्टेशन क्या है, कितने परसेंट आए लाएंगे? 98 मिनिमम। ओके थैंक यू। चलिए और जानते हैं कैसे गए पेपर आपके? नॉर्मल में गया। ओके, पेपर कैसा गया भाई आपका? पेपर कैसा गया आपका? बहुत अच्छा। कैसा गया पेपर आपका दोस्त? बढ़िया बढ़िया एकदम। क्या बताएंगे, लाइक कैसे एक्चुअली स्टूडेंट ताकि उनका भी एग्जाम क्लियर हो पाए? बेसिकली अगर मैं बात करूँ आज के एग्जामिनेशन की तो क्वेश्चन लेवल टफ थे थोड़े, अगर बेसिकली बात की जाए लास्ट लेवल के क्वेश्चन की, जो 4 नंबर के अटेम्प्टिंग क्वेश्चन होते हैं लास्ट के, तो वो थोड़ा टफ था। और बेसिकली फिजिक्स की जो क्वेश्चन थी वो ईजी थी एंड केमिस्ट्री एंड जो मैथमेटिक्स की थी थोड़ी वो टफ। लेवल कैसे आ रहे? लेवल सही था एज यूजुअली, अगर कंपेयर करिएगा लास्ट ईयर से तो क्वेश्चन का लेवल उसी के टाइप ही था, बट जो फिजिक्स का क्वेश्चन था थोड़ा सा लेवल इजी था इस टाइम। ओके, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या बताएंगे, लाइक कैसे प्रिपेयर होता कि उनका एग्जाम क्लियर हो पाए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लास 11 12 की बेसिक जो एनसीईआरटी की होती है आपको वो प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप परसुइंग 12th क्लास में हैं तो आप चाहिए आप अपने जो सिलेबस है आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल कवर करिए और एडवांस की जो बुक्स होती है उनको कवर करिए। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू। कैसा गया पेपर आपका दोस्त? पेपर कैसा गया आपका? पेपर कैसा गया आपका? बढ़िया गया था। पेपर कैसा गया आपका भाई? ठीक ठीक था। क्या बताएंगे, लाइक कैसे प्रिपेयर करें स्टूडेंट ताकि उनका भी एग्जाम क्लियर हो पाए? अच्छा से तैयारी करें, अच्छा से क्वेश्चन भी इजीली था बन सकता। ओके, कैसे गए पेपर आपके? बहुत अच्छे गए, नॉर्मल क्वेश्चंस थे, ज़्यादा हाई नहीं थे और ठीक ठाक गए एवरेज। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहा था आपका? प्रिपरेशन तो वही मेंस तो अभी बोर्ड था तो बोर्ड के ही हिसाब से पढ़ा था, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन था और उसी लेवल के क्वेश्चंस भी थे, अच्छे खासे क्वेश्चन। जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या बताएंगे, लाइक कैसे प्रिपरेशन करें ताकि उनका भी एग्जाम क्लियर हो पाए? मेन वो 11th के सिलेबस पे ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर होगा, उसी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मैच हो रहे थे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपने बनाई थी? हाँ कुछ कुछ मैंने देखा था, सारे नहीं देखे थे क्योंकि आप इस मतलब हर ईयर के पैटर्न चेंज होते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में और इस बार के क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस लगा आपको? इस बार का क्वेश्चंस जैसे प्रीवियस ईयर मैथ्स का क्वेश्चन हार्ड रहा था, इस बार का हार्ड नहीं था। इस बार था कि आप खुद से अगर 11th और 12th आपका कंप्लीट है तो आपका हो जाएगा, वो मैनेज हो जाएगा। आपका कौन सा पार्ट ज़्यादा? मेरा फिजिक्स ज़्यादा सही था। ओके, और मैथ कैसा था?
मैथ फिजिक्स के बाद मैथ्स ही सही। केमिस्ट्री ठीक था, ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चन था। तो पैटर्न कैसे पूछे जा रहे हैं? पैटर्न मैथ्स में हो गया, जैसे आपका इंटीग्रेशन ये सब पूछे जा रहे हैं, और 12 और फिजिक्स हो गया जिसमें 11th और 12th के फार्मूला वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने टोटल 32। एक्सपेक्टेशन क्या है, कितने परसेंट आई लाएंगे? एक्सपेक्टेशंस तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन 28 उसमें सही होने चाहिए। ओके, थैंक यू। कैसा गया पेपर आपका? अच्छा था। क्या बताएंगे जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कैसे प्रिपेयर होता है कि उनका भी एग्जाम क्लियर हो पाए? मतलब जो भी कंसेप्ट्स उन्होंने पढ़ा है उसका रिवीजन थोड़ो रहे तो बेटर रहेगा। okay. काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो चीज़। और कुछ चीज़ें बताएं, लाइक कैसे क्वेश्चंस के लेवल कैसे रह रहे हैं? क्वेश्चंस के लेवल तो इजी मॉडरेट दोनों थे, उतने डिफिकल्ट कुछ खास थे नहीं सारे क्वेश्चन। कौन सा पार्ट ज़्यादा ईजी लगा आपको? केमिस्ट्री काफ़ी ईजी था। और मैथ? मैथ्स थोड़ा मॉडरेट लेवल। फिजिक्स कैसा था? फिजिक्स भी अच्छा था। अच्छा, आपने PYQ लगाया था? मैंने हाँ कुछ लगाए थे, ज़्यादा नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और इस बार की क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस लगा आपको? सिमिलैरिटी है। ज़्यादा टफ कौन सा लगा, प्रीवियस ईयर वाले ज़्यादा टफ थे या इस बार? ऐसे तो नॉर्मली है, दोनों सेम ही लेवल है। कहाँ से प्रिपरेशन किए हैं आप? सेल्फ स्टडी। ओके, सो क्या आपको क्या लगता है कि मतलब कैसा गया पेपर, कितने अटेम्प्ट किए आपने? मेरा तो ठीक गया, मतलब मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से, और मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उस हिसाब से। एक्सपेक्टेशन क्या है? क्लियर हो जाना चाहिए। ड्रीम कॉलेज बताएंगे? वो तो IIT के लिए मैं एम कर रही हूँ, तो अभी तो ये तो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। आप लोग भी पेपर देकर आ रही है? ओके, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।